वहीं रीवा जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित में एक आपत्ति प्रस्तुत की है, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेंद्र पांडे का नामांकन रद्द किए जाने की मांग है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला अधिवक्ता संघ का गठन अधिवक्ताओं के हितों के लिए किया गया है, लेकिन राजेंद्र पांडे द्वारा इसका हनन करते हुए उन लोगों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है, जिसके चलते उन लोगों ने नामांकन रद्द करने की मांग की। 2 अगस्त को हम 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ ब्रजेश गुप्ता जी, श्री प्रकाश कुमार जी और मेरे विरुद्ध जो है विधि विरुद्ध ढंग से जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी ने अपनी जो कमेटी को है उसको गुमराह करके और एक फर्जी प्रस्ताव बना करके हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया था। हमें ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए और ये हमेशा अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं। इन्होंने कोर्ट मैटर पर आंदोलन चलवाया, फिर आंदोलन को कुचलने का काम किया।